यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आपने लास्ट वाले एपिसोड में देखा होगा कि हमने कस्टम विलेज बनाया था, और आज के एपिसोड में हम बनाने वाले एक डीप स्लेट का कासल जो कि बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। अगर चैनल पर नया है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस भाई, बहुत सारे डीप स्लेट माइन करने, और गाइस मुझे 4 शल्कर भर के डीप स्लेट लगने वाले। तो ये देख सकते हो सारे के सारे शल्कर बॉक्स अभी खाली है, और मुझे चारों शल्कर बॉक्स को भरना है, जिसमें गाइस बहुत ज्यादा ही टाइम लगने वाला है। तो आप एंजॉय करना एक छोटे से मोंटेज को। तो गाइस मैं पिछले 1 घंटे से डीप स्लेट माइन कर रहा हूँ, और मेरे पे सिर्फ और सिर्फ 2 शल्कर भर के डीप स्लेट हो पाया है, और मेरे हिसाब से इतने इनफ रहने वाले हैं और हमें नहीं चाहिए। तो गाइस अभी मैं आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ कि मैंने पीछे क्या हाल किया है। तो यार तुम देख ही सकते हो भाई, मैंने पीछे क्या ही हाल कर दिया यहाँ का। तो गाइस मैं सोने वाला था, तभी भाई मेरे आंखों के सामने पिलेजर आ गए, तो भाई मैंने इसको मार दिया। और भाई मुझे लगा इसका लीडर भी यहाँ पे होगा, तो भाई मैं बाहर गया तो देखा हमें इसका लीडर भी था। तो इसके लीडर को मार के भाई मैंने रेड कराने की सोची, क्योंकि गाइस हमारे वर्ल्ड में एक भी अभी मेरे पास टोटम नहीं है। तो जल्दी से चलते सोने, फिर सुबह करेंगे रेड। ओके गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी रेड कराने के लिए, और गाइस अब मैं जाने वाला हूँ अपने कस्टम विलेज के पास, क्योंकि वहाँ पे विलेजर्स है, और वहाँ से फिर हमारी जो क्या रेड चालू हो जाएगी। तो चलो गाइस अभी हमारी रेड चालू होने वाली है। ओके कब होएगी भाई, हो जा। ओके तो हमारी रेड चालू हो चुकी है, अब आप एंजॉय करना एक छोटे से मोंटेज को। तो फाइनली गाइस हमारे जो रेड है वो खत्म हो चुके हैं। गाइस ये रेड बहुत ज्यादा ओपी गई है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत सारे टोटम मिले हैं। तो मुझे यहाँ से 4 टोटम, 61 एमरल्ड और फायर रेजिस्टेंस के 2 पोशन मिले हैं। तो गाइस हमने डीप स्लेट तो माइन कर लिया है, तो अब हमको स्क्रूज की वुड लगने वाले है। मेरे हिसाब से मेरे पास थोड़ी बहुत वुड तो पड़ी होगी, तो चलो चेक करते हैं मेरी चेस्ट में कि मेरे पास कितनी वुड है। तो यार भाई मेरे पास तो बिल्कुल भी वुड नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे माइन करने जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं वुड माइन करने। ओके गाइस मैं आ चुका हूँ वुड माइन करने, तो आप सभी लोग एंजॉय करना एक छोटे से मोंटेज को। तो अभी आया हूँ मैं क्रीपर फार्म पे गन पाउडर कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे रॉकेट्स खत्म हो चुके हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ी देर AFK रहते हैं। तो गाइस मैंने रॉकेट्स क्राफ्ट कर लिए है, तो अभी चलते हैं लोकेशन पे जहाँ पे हम अपना कासल बनाने वाले हैं। तो गाइस इस बार मैं माउंटेन के ऊपर कासल बनाने वाला हूँ, तो चलो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप बनाते हैं। तो अभी मैंने सेटअप बना लिया है, तो अब मुझे एरिया क्लीन करना है। तो गाइस मैं यहाँ पे एरिया क्लीन कर रहा था, तभी गाइस मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना यहाँ पे मैं बीकन लगा दूँ, उससे गाइस मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से बीकन लेके आते हैं। तो गाइस मैंने बीकन को यहाँ पे लगा दिया है, तो चलो इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं कि हमें कितनी तेज इसने स्पीड दी है। तो भाई लिटरली इसने मुझे बहुत ज्यादा ही तेज स्पीड दे दी है, और अब मैं बहुत जल्दी एरिया भी क्लीन कर लूंगा। तो फाइनली गाइज मैंने एरिया को प्लेन कर लिया, और गाइज आप मेरी पिकेक्स की हेल्थ देख ही सकते हो, बस टूटने वाले। तो अभी चलते हैं गोल्ड फार्म पे इसको रिपेयर करने। और फाइनली गाइज मैं अपनी पिकेक्स को रिपेयर करके आ चुका हूँ, तो अब बनाएंगे हम अपना कासल। तो जल्दी से सर्कल बॉक्स से अपना सारा का सारा सामान कलेक्ट करते हैं, और काफी सारा यहाँ से मैंने डीप से ले लिया है, और यहाँ से लेते हैं फेंसेस। और इससे तो गैस मुझे कुछ भी नहीं लेना है, बस ये 100 पीस के लिए है। और गैस बेसिकली हमारा जो ये कासल होने वाला है, इसमें 4 वॉच टावर होने वाले हैं। तो अभी हम पहला वाला टावर बनाएंगे, उससे पहले अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट कर लेते हैं। चलो एडजस्ट हो चुका है, तो चलो बनाते हैं हम अपना पहला टावर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1, 2, 3। तो अब इसको जो क्या मुझे 9 ब्लॉक की हाइट दे देनी है, तो जल्दी से इसको जो क्या मैं 9 ब्लॉक ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है गाइस, फाइनली इसको मैं 9 ब्लॉक ऊपर लेके आ चुका हूँ और इसको जो क्या है यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि यार मैं नीचे बार बार ना गिर जाऊँ, क्योंकि मैं हुई यार एक नंबर का नुबड़ा। तो चलो अब जो क्या है इसकी डेकोरेशन भी करते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं, ये वाला ब्लॉक गलत लग गया है तो पहले क्राउच होएंगे और यहाँ पे एक ब्लॉक लगाएंगे और इस वाले ब्लॉक को तोड़ देंगे और इस साइड भी जो क्या है सेम ये वाला स्टेप करेंगे। तो चलो यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे भी वैसा ही स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ओके, और यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे भी करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और दोनों को जो क्या है ब्रेक कर देते हैं। तो चलो अभी जो क्या है इधर भी यही सेम स्टेप करना है। तो चलो और यहाँ पे भी एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और ब्लॉक ही ख़त्म हो गए भाई, लॉल। और यहाँ से लेते हैं ब्लॉक और यहाँ पे प्लेस करते हैं, ओके। तो अभी चलते हैं नीचे क्योंकि अभी जो क्या मुझे एक काम और करना है सीढ़ी का। तो चलो जो क्या यहाँ से सीढ़ी ले लेते हैं, पता नहीं भाई किस वाले सर्कल बॉक्स में है, ओके। तो यहाँ पे जो क्या सीढ़ी और स्लैब्स दोनों लगने वाला है, तो चलो मैंने दोनों ले लिए हैं और यहाँ से ले लेते हैं भाई स्कैफ फोल्डिंग, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलो गाइस पहले इस वाले फालतू के ब्लॉक को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे जो क्या है जंप होके एक सीढ़ी लगाते हैं और यहाँ पे भी सेम टू सेम ऐसा ही करते हैं और इधर पे भी ऐसा ही करते हैं और इधर पे भी ऐसा ही करते हैं और इधर पे भी ऐसा कर देते हैं, अरे भाई हो जा, हाँ, और इस साइड भी ऐसा कर देते हैं, ओके। और लास्ट है ये, यहाँ पे भी ऐसा कर देते हैं और यहाँ पे भी ऐसा कर देते हैं। तो चलो अभी चलते हैं सीधा ऊपर फोल्डिंग लगा के। अरे यार भाई ये कभी भी भाई मैं इसको लगाना नहीं सीखने वाला, कभी ऊपर लगता है कभी नीचे लगता है। चलो चलो अब चलते हैं सीधा जंप बटन दबा के ऊपर, लेकिन गाइस ये तो मैं सीख ही चुका हूँ। तो चलो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर और यहाँ पे एक स्लैब को प्लेस कर देते हैं और इसके ऊपर एक स्लैब को प्लेस करते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे भी, और ये वाला ब्लॉक फालतू का है तो उसको हटाते हैं और यहाँ पे भी वैसा ही स्लैब प्लेस करते हैं और इस साइड भी वैसा ही कर देते हैं। और अभी जो क्या है यहाँ पे एक ब्लॉक यहाँ पे, एक स्लैब यहाँ पे और एक स्लैब यहाँ पे और एक स्लैब यहाँ पे, एक स्लैब यहाँ पे, एक स्लैब यहाँ पे और एक स्लैब यहाँ पे। तो जो हमारा टावर है वो 90% कंप्लीट हो चुका है। और अब आप सोचोगे कि भाई 90% कैसा हुआ, तो अभी जो क्या मुझे इसकी विंडोज़ भी बना देनी है। तो चलो अभी जो क्या इसकी विंडोज़ भी बना देते हैं। तो अभी जो क्या पहले इस स्कैफोल्डिंग को ले लेते हैं, ओके, और ये भी उठा लेते हैं और जो क्या अब इसकी एक विंडो भी बनाते हैं, खिड़की यानी, ओके। और ये वाला ब्लॉक प्ले तोड़ देते हैं, ये वाला भी तोड़ देते हैं, ये वाला भी, ओके। और यहाँ पे लगाते हैं फेंसिस, ऑलराइट, हो जा भाई, ओके ओके ओके। और ऐसा गाइस मुझे यहाँ भी करना है और उस साइड भी कर देना है, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ। फाइनली गाइस मैंने एक टावर को कंप्लीट कर लिया और ऐसे मुझे 3 टावर और बनाने हैं, तो फटाफट से मैं 3 टावर और बनाने के बाद आप लोगों से मिलूंगा। फाइनली गाइस मैंने 4 टावर कंप्लीट कर लिए, तो अब जो क्या हम इसकी बाउंड्री करना स्टार्ट करते हैं। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस हम गेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे भी एक ब्लॉक प्लेस करते हैं, 2, 3, और यहाँ पे लगाते हैं एक स्टेयर, ओके। और इस साइड भी जो क्या ऐसा ही करना है, 2, 3, और यहाँ पे लगाते हैं एक स्टेयर्स और यहाँ पे क्राउच होते हैं और यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं एक स्टेयर्स। और उस साइड भी जो क्या ऐसा ही करना है, ओके, मैं नीचे गिर चुका हूँ। तो यहाँ पे लगाते हैं स्केप फोल्डिंग और चलते हैं दोबारा से ऊपर और यहाँ पे होते हैं क्राउच और यहाँ पे लगा देते हैं स्टेयर्स और जो स्केप फोल्डिंग है उनको तोड़ देते हैं, ओके। और यहाँ पे जो क्या मुझे एक नीचे को जो स्टेयर फेस करती है वैसे स्टेयर लगा देनी है। तो चलो लगाते हैं, अरे भाई ये गलत लग गई है,
ओके इसको तोड़ते हैं, दोबारा से ट्राई करते हैं। ओके ओके ओके, अरे यार भाई दोबारा से गलत लग गई, हो क्या रहा है? अब इधर ट्राई करते हैं एक सेकेंड। ओके हो गया। ओके अब जो क्या है, यहाँ पे मुझे एक एक स्टेयर्स लगा देनी है और जो हमारा ये गेट है ये बन के रेडी हो चुका है। और अभी जो क्या है, मुझे यहाँ पे भी ऐसा ही सेम गेट बनाना है, तो मैं जल्दी से इसको बना देता हूँ। ओके गाइस, मैंने दो गेट यहाँ पे बना दिए हैं, तो अब शुरू करते हैं इसकी बाउंड्री करना। तो ये 1 2 3 4 और एक ब्लॉक छोड़ के 1 2 3 4 और फिर से एक ब्लॉक छोड़ के 1 2 3 4। तो ऐसे मुझे सेम पैटर्न यूज करना है, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ। फाइनली गाइस, यहाँ पे मैंने इसकी बाउंड्री बना दी है, तो अभी जो क्या मुझे बाउंड्री कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे फेंस लगा देते हैं कुछ ऐसे, और ये वाला जो फेंस है गलत लग गया तो उसको ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करते हैं और यहाँ पे फेंस प्लेस कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ पे मैंने ब्लॉक छोड़ा है वहाँ पे मुझे ऐसा ही करना है, तो मैं जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ। फाइनली गाइस, मैंने इसकी बाउंड्री बना ली है, लेकिन गाइस ये बाउंड्री अभी इनकम्प्लीट है। अभी जो क्या मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे जो क्या स्कैफोल्डिंग को प्लेस करते हैं। ओके और जो अभी चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे गाइस मुझे डीप स्लेट के ब्लॉक को कुछ ऐसे प्लेस कर देना है, तो जल्दी से इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो फाइनली गाइस, मैंने इसकी बाउंड्री बना ली है, तो अभी जो गाइस इसकी जमीन है, जमीन पे गाइस मुझे स्क्रूज के प्लैंक्स लगाने हैं, तो मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। गाइस हमारी वुड खत्म हो चुकी है, तो अभी चलते हैं वुड माइन करने। मैंने वुड माइन कर लिया और मैंने वुड से प्लैंक बना लिया है, तो जल्दी से जो क्या अब इसे कंप्लीट करते हैं। अब गाइस मुझे इसकी एक रूफ बना देनी है, तो फटाफट से मैं रूफ बना देता हूँ। ऑलराइट गाइस, मैंने इसकी छत कंप्लीट कर ली है, तो अब जो बाकी का काम है उसे कंप्लीट करते हैं। और बाकी का काम कंप्लीट करने के लिए हमको डीप स्लेट लगने वाला है, तो जल्दी से जो क्या शल्कर बॉक्स से 2 स्टैक डीप स्लेट ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं जल्दी से कासल के अंदर, उसके बाद जो क्या है बाकी का काम करेंगे कंप्लीट। तो मैं आ चुका कासल के अंदर और यहाँ पे आएंगे वॉच टावर के पास और जंप करेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे ब्लॉक्स लगा देंगे। मतलब गाइस मैंने एक पिलर खड़ा कर दिया है और टॉर्च को हटाएंगे और यहाँ पे जो कि मुझे इसके चारों तरफ लैडर लगा देनी है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे एक वॉल और उस साइड भी एक जो क्या वॉल लगानी है और बीच में भी लगानी है और इस साइड भी एक वॉल लगा देते हैं। और अब यहाँ पे जो क्या फेंस गेट कुछ ऐसे लगा देते हैं, तो जल्दी से जो क्या इसे कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, फाइनली हमारा जो कासल है वो बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस मैं इस कासल का आपको एक छोटा सा टूर दे देना चाहता हूँ। तो जो हमारी एंट्रेंस है वो कुछ ऐसी है और बीच में गाइस मैंने ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया है और यहाँ पे कुछ चेस्ट लगी है और सामने भी कुछ चेस्ट और एक बेड लगा है। और अभी चलते हैं ऊपर की साइड। ऊपर की साइड गाइस मैंने यहाँ पे वीट उगा दी है हर टावर के साइड साइड में, और गाइस मैंने सेंटर में कुछ ये बनाया है। सो इस वाले एपिसोड में गाइस आप सभी लोगों ने देखा कि हमने अपने लिए एक कासल बनाया है, तो आपको गाइस मेरे वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी, उसके लिए दिल से सॉरी। और प्लीज़ यार इस वीडियो को सपोर्ट कर देना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे 3 दिन लग गए हैं। तो चलो इस एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बाय बाय।